नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत कर रही हूं आपका आपके अपने चैनल इंडियन हेल्थ टिप्स फॉर यू में। तो केवल अच्छा खाने से ही सेहत अच्छी नहीं हो सकती है, इसके लिए खाने पीने का समय भी सही होना चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर की कार्यशीलता निरंतर चलती रहती है और समय समय पर शरीर को पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती रहती है, इसलिए भोजन भी निर्धारित समय पर ही करना चाहिए। तो चलिए आज के इस पैकेज में हम आपको यही बताने जा रहे हैं कि खाना खाने का एक आइडियल टाइम क्या होना चाहिए। हमारे बताए हुए समय अगर आप खाना खाएंगे तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होगा। सबसे पहले बात करते हैं ब्रेकफास्ट की। सुबह नाश्ते का एक आइडियल टाइम सुबह 7 से 8 बजे के बीच होता है। सुबह 10 बजे के बाद अगर आप नाश्ता करते हैं तो ये ठीक सही नहीं माना जाता है। सुबह उठने के आधे घंटे बाद नाश्ता करना सबसे सही होता है। अब अगर लंच की बात करें तो लंच यानी दोपहर का खाना हमेशा 12:30 से 2 बजे के बीच करना चाहिए। ये खाना खाने का आइडियल टाइम होता है। अगर आप 4 बजे के बाद लंच करते हैं तो इससे आपको पोषक पदार्थ मिले न मिले पर नुकसान जरूर हो सकता है। लंच और ब्रेकफास्ट के बीच कम से कम 4 घंटे का गैप होना जरूरी है। और दोस्तों, अब अगर आखिर में डिनर की बात करें तो रात के भोजन का आइडियल टाइम शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक होना चाहिए। रात 10 बजे के बाद खाना खाना सेहत के लिहाज से ठीक नहीं माना जाता है, क्योंकि इससे आपका सोने का समय प्रभावित होता है। अगर विशेषज्ञों की माने तो सोने से 3 घंटे पहले खाना खाना चाहिए। दोस्तों, हमारा शरीर भी एक मशीन की तरह है। जैसे हम अपनी गाड़ियों को सर्विसिंग के लिए ले जाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, वैसे ही हमें अपने शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए और इसके लिए टाइम से खाना खाना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही अगर आप जंक फूड को अवॉइड करें और हेल्दी खाना खाएं तो मैं आपको यकीन दिला सकती हूं कि आप बिल्कुल सेहतमंद रहेंगे। सब्सक्राइब करें इंडियन हेल्थ टिप्स फॉर यू फॉर लेटेस्ट हेल्थ टिप्स वीडियोस। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो लाइक, कॉमेंट एंड शेयर जरूर करें।